ढोल ताशे वाले कुठे रहले, उनके बिना आरती कैसे संपन्न होगी? अरे सिद्धेश्वर मंदिर की तरफ से रास्ता बंद किया है ना, वो छाया की बेटी आर्या उन्हें लेने गई है। अरे वो पापा के मूषक जितनी चुहिया, वो लाएगी उन्हें। वो आर्या है। आर्या दबंगी। एक बार उसने ठान ली तो आर्या पार लगा ही देती है। बोला वो शानी का चमचा। ए पकिया, वो शानी नहीं येरी है, पापा के प्यार में लेकर आएगी ढोल ताशे वालों को, देखना। उल्टी गिनती शुरू कर। दबंगी मुलगी आई रे आई। ओ, 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 मुलगी आई रे आई। दा, 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 दबंगी मुलगी दबंगी आई रे आई आई मुलगी ये दबंगी। बेटा बप्पा को प्रणाम करो। बस एक तू ही है जो अपना वादा नहीं निभाता। ये बप्पा कितना भाव खाता है रे तू, हाँ? एक छोटी सी बच्ची की जान लेगा क्या? हर साल तो प्रॉमिस देता है, हर साल वो नहीं आते। मिलवा देना इस साल मेरे बाबा से। आई कहती है बाबा कभी भी छुट्टी नहीं मिलती, पूरा टाइम उनकी चोरों से डिशम 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 चलती रहती है। तू हर साल छुट्टी मनाने के लिए गांव जाता है ना, तो मेरे बाबा को भी छुट्टी दिलवा देना। पापा आपसे विनती है, चाहे कुछ भी हो जाए आर्या को उसके बाबा से कभी मत मिलवाना। पिछले 8 सालों से दर दर की ठोकरें खा रही, गांव गांव भटक रही, लोगों से झूठ बोल रही हूँ, आर्या से झूठ बोल रही हूँ, ताकि उसके बाबा को हमारा पता ना चल पाए। बाप्पा आपको तो सब कुछ पता है, चाहे कुछ भी हो जाए आप हमेशा आर्या पर अपनी नजर बनाए रखना और उसे अपने बाबा की नजर से बचा कर रखना। अभिनंदन भाव साहेब, कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया है। Thank you.
भाई साहब, 8 साल के बाद आपका बेटा घर आएगा, कैसा लग रहा है आपको? जो अंदर गया था वो मेरा बेटा सत्य था, जो बाहर आ रहे हैं वो आप सबके भाऊ साहब हैं। मैं मारी हो गया? आई बहनी साहिब, नको नको, आज मेरा गौरी पूजा का व्रत है, भाव साहिब के हाथों से ही पानी पी के व्रत खोल सकती हूँ मैं, है ना आई? नौटंकी सी नस नस में भरी है ना, जिंदगी भर जाएगी नहीं। आर्या को कहानी बतानी है, वो शैतान है कहाँ? बाबा मैं आर्या, कैसे हो आप? मैं रॉकिंग हूँ मेरी चू, तू कैसी है? बापा के राज में बिल्कुल मस्त। आप बहुत याद आते हो बाबा, कितने दिनों बाद मैसेज किया है, कहाँ थे? कौन सा नया मिशन है? इस बार की मिशन का नाम है भेड़ियों का झुंड। जल्दी बताइए ना। मेरी जीव, तुझसे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तेरी इस कल्पना को, तेरे सपने को तोड़ भी तो नहीं सकती, इसलिए तुझे बाबा बनकर मैसेज करती। तेरी खुशी के आगे ऐसे 100 झूठों का पाप भी मंजूर है। एक पीला और गुलाबी। काये सुनो, इतने ही बचे थे? क्या कर रही है वो? मैं ना, वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारी बात हो रही है, टॉप सीक्रेट मिशन, याद है ना? बात कर रही थी। कितने सवाल करता है रे तू, चल। आई अरे मोटर पे कैसे लू? अच्छा नहीं लगता तुझे ऐसे छोटे मैसेजेस भेजना, पर तेरे चेहरे पे इस खुशी को देखकर हर झूठ माफ। अरे चल ना, टीवी लगा ना, मेरा सीरियल आने वाला है। तुमने ये रुक-रुक सीरियल देखना बंद कर और एक्शन देख, एक्शन। वीडियो का जून सामने आए ना तो एक्शन काम आएगा, ये आंसू नहीं। कथित गैंगस्टर और अभिनेता सत्यराज वक्कर उर्फ भाऊ साहिब आज 8 साल के बाद जेल से रिहा हुए। खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना होने के कारण 8 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इन्हें बरी किया गया। अरे ये रिमोट को क्या हो गया? चल। आज वो अपने फैमिली के साथ है और देखते हैं कि वो अपने आगे की लाइफ कैसे जीते हैं। काली गाड़ी से नहीं, सफेद गाड़ी से जाएंगे भाऊ। भविष्यवाणी पढ़ी थी मैंने, काला रंग बाधा डाल सकता है, समझा? इसीलिए ये सफेद चकाचक। एक और गुंडा जेल से बाहर आ गया।
जा कहीं होगी, मुझे पक्का देख रही होगी। देखता हूँ कितनी देर तक छिपी रहती है मुझसे। परिवार से तो मिल लिए, अब सबसे पहले किससे मिलना चाहेंगे आप? अभी क्या परिवार इतना सही क्या? बहुत सारे लोग हैं, सबसे मिलना है। दी, क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा हूँ? अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ, और किसको करूँगा? अरे ये बिजली एकदम से कड़क रही है, क्या हो गया? आओ, कहाँ जा रहे? हेलो हेलो, अरे सुनिए तो, तूफान आने वाला है। बस एक बात कहनी है, परसों से तड़प रहा हूँ उन सबसे मिलने के लिए। बस एक बार मिल लूं, फिर हमेशा की राहत है, फिर नई गिली, फिर नया दाव। समझाऊंगा मैं तेरे को। अरे तेरी कोख में मेरी औलाद है, मैं समझाता हूँ ना तेरे को, रुक जा रहा। बंद करो टीवी, मैंने कहा बंद करो टीवी। पर क्या हुआ ये? टीवी बंद कर सोनू, मैं कह रही हूँ ना टीवी बंद कर। सोनू बेटा अपने घर जा। अजय हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से बहुत दूर। तो एक काम कर, सामान बांध। पर क्यों? क्योंकि मैं बोल रही हूँ इसलिए। सुन, बाहर कपड़े सुखाने डाल दिए ना, लेकर जा। लेकिन आई एकदम संगीत चला कर देगा तुला। हाँ, बार बार वही चीज क्यों बोलो तुझे? लेकर आ कपड़े, जा। समझी क्या? चेहरे पैसे याद रखना, एक खून की सजा भी वही है, पांच कुट की सजा भी वही है। चल समझी। चल, तेरा बाप को तो ठिकाने लगा है ना, अभी यहाँ निकलने के बाद जेल से तेरे को भी डांट के जाऊंगा मैं। चलो घर चलो। फिर तू तेरे बाबा के पास, वही अपने बेटे के पास, समझी क्या? बाबा है क्या? आर्या को कभी पता नहीं चल सकता कि उसके बाबा कौन है। बाबा का फोन है ना? नहीं,
मैनेजर साहब का फोन है। आई, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। आर्या, देख, देख हमारे पास ना इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं। चल, मैं जो बोल रही हूँ वो कर और चल मेरे साथ। नहीं, इस बार मैं नहीं मानूंगी। जब देखो जब इधर से उधर, मैं सोलापुर छोड़ के नहीं जाऊंगी। तू जा। कैसे नहीं जाए? हाँ, तेरे हाथ पैर बांध के तुझे ले जाऊंगी। तेरे दोस्त ही है ना, इसलिए तेरे लिए जाना आसान है। शुल्बा काकी गार्गी होंगी, किसी से बात नहीं करती ना तू, पर मेरी तो बनती है ना सबसे। मुश्किल से एक अच्छा दोस्त बना है मेरा सोनू। सब उसके खिल्ले उड़ाते हैं और परेशान करते हैं, बस मैं ही उसे बचाती हूँ। अगर मैं चली गई तो उसका क्या होगा, सोचा भी है? मैं नहीं जाऊंगी। लड्डू हजम, खेल खत्म। आर्या, अपने बाप और मैल धोने का धोबी घाट समझ रखा है तूने मुझे सत्या? अब समझ में आया कि तूने मेरी बेटी दामिनी के साथ शादी क्यों की है? सारी जिंदगी गांव वालों की सेवा की है मैंने, थोड़ा बहुत जो नाम कमाया है, गांव वालों का भरोसा कमाया है, वो छीनना चाहता है मुझसे तू सत्या? कुछ तो दो टके का गुंडा मवाली है, और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि गांव वालों का तुम्हें कभी समर्थन प्राप्त नहीं होगा। तुमने मेरी बेटी के साथ शादी इसलिए की ताकि अपने नाम पर लगी हुई कालिक को पहुंच सको, जमाई बनोगे गांव के और फिर सारी जमीन हड़प लोगे। ये जगह गांव वालों की है सदियों से, ये जमीन माँ है उनकी, इसे मैं तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगने दूंगा। पुलिस, मीडिया, कार्यकर्ता सबको आगाह करूंगा तुम्हारे बारे में, तुमसे जो होता हो वो कर लो। वो सब ठीक है, लेकिन एक मतलब प्रॉब्लम है। ये बात का बहुत अफसोस रहेगा मुझे कि आप अपने नातू, अपने ग्रैंडसन का चेहरा नहीं देख पाओगे। एक सेकंड, ये पानी आपके कंधे के पीछे से छिड़क दीजिए, अब शकुन टल जाएगा। ए, तेरे टोटके खत्म नहीं होते ना कभी। अरे भाऊ, इसी टोटके के वजह से तो आज हमारे साथ आप वापस आए हो ना। कैसा है, मानो तो श्रद्धा नहीं तो अंदर श्रद्धा। कैसा पीछे डालने? हाँ। बराबर पीने का इस... नहीं, नहीं, नहीं। दादा, हाँ
60 साल 80 साल के बराबर लगे मुझे, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं है जो मेरे दादा को रोक सके। फिर दादा इन 8 साल में पता है कितना कुछ है जो आपको बताना है। बस 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 अब धार धार शुरू मत हो जाना। चलो अब पापा की आरती करनी है। सत्या अंदर पापा है और वहां पापा है मेरे बाबा, और दोनों को एक समान मानता हूं मैं। इन्होंने मुझे गोद में खिलाया और उन्होंने अपने कंधे पे बिठाया, और उनके कंधे पे बैठने के बाद मैं आगे देख सका। थोड़े से नाराज है मुझसे, थोड़ी सी सोच रहा हूं पहले उन्हें मना लो। अरे इसको देखो जरा, एकदम सेम वैसे के वैसे, बदली नहीं। अरे बाबा वही रुक जा सत्या। ये घर ईमानदारी का मंदिर है, एक और कदम आगे मत लेना। अहो ताता इतने सालों के बाद घर पे आए हैं, कम से कम आप तो पुरानी बातों को भूल। समझदार है बेला, रिश्तों की अहमियत को समझती है। हमारी नहीं ना सही, कम से कम इसकी बात तो मानो। इस घर का बड़ा बेटा हूं मैं, तेरा बड़ा भाई। अभी एक बात बता मेरे को, झगड़ा रिश्ते से बड़ा होता है क्या? मेरा रिश्ता सिर्फ कानून से है, और कानून से बड़ा कोई नहीं है। नियम का पालन करता हूं, इसलिए तो शायद आज तक जिंदा है, वरना कब का ठोक दिया होता। अंकुश तुम इंस्पेक्टर बाद में, छोटे भाई पहले हो। अरे आई, इसको अगर उतनी समझ होती तो ये अपनी वर्दी को साइड में ढकेल की वो टाइम पे मेरे को हथकड़ी नहीं लगाता। अरे बाइज्जत बरी किया गया मेरे को, जज साहब बोले यू गो। पर हम दोनों तुझे अब भी क्रिमिनल ही मानते हैं, लेकिन तेरी आई नहीं मानेगी। अपने बड़े बेटे के प्यार का चश्मा जो चढ़ा है उसकी आंखों पर। कल बात करवा देंगे बाबा से, बस आज की रात आई से छुपना है। पूरी रात? हाँ, रात है डरने क्या बात है जब तू आर्या के साथ है। चल कल तो हम बाबा से बात हो जाएगी। भाऊ वो आरती के लिए जगह जगह से न्योते आ रहे हैं, वो फलटन, सांगली, सोलापुर, सातारा। नहीं अच्छा मौका है पब्लिक की नजर में आने के लिए। जाए सकूटे? मेरा मतलब पहले कहाँ जाएंगे? फलटन, सातारा, सोलापुर, अटक मटक, दौली चटक,
चावली थाली गोड़ गोड़। फिर क्या आई? मैं भूल गया। जीबे लाला फोड़ फोड़। जीबे लाला फोड़ फोड़। जीबे चा फोड़ फुटना। जीबे चा फोड़ फुटना। दर चा पावना उठना। दर चा पावना उठना। शोलापुर। उदया सकड़ शोलापुर। यहां से मुझे आर्या को ढूंढने में मदद मिल जाएगी। भाऊ साहब इसको ढूंढ रहे हैं। कहीं देखा है इसको? दामिनी नाम है इसका। जैसे ही पता लगे हम लोग को बता देना। अभी क्या परिवार इतना सही क्या? बहुत सारे लोग हैं, सबसे मिलना है। परसों से तड़प रहा हूँ उन सबसे मिलने के लिए। आर्या को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। सत्या के आदमी यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं भी चलूंगा बाबा। हो ना, हम तीनों भी जाएंगे सोलापुर। अरे ये तो पूरी हलवाई की दुकान डाल के रखी तुम लोग। वो चल रहा है। रुक 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 रुक, मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से मलम लाओ। अरे फ्रिज से बर्फ लाओ। डॉक्टर को फोन करो। हो जाएगा अभी ठीक हो जाएगा। मलम दो जल्दी। क्या करते हो तुम लोग, इतना देर क्यों करते हो? अरे हो बाजू लाओ। माँ नौटंकी बेटा नाजुक गई। जल्दी। ये कस्तूरी, ये मैं जब नहीं था तो ये क्या क्या हुआ इसको? क्या परवरिश करी है तूने उसकी? हाँ, कभी गड्ढे में गिर जाता है, कभी बाथरूम में लॉक हो जाता है। ए ऐसा क्या रे? इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं ना, नस्ल अहरे गहरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। सत्या, बड़े दिनों बाद मेरा बेटा आया है। अब तो आ गया है ना, बस मेरा पोता भी आ जाएगा। आर्या आई कहती है रात को खेत में नहीं जाते, भूत प्रेत घूमते हैं। हाँ, फसलों की रक्षा करने के लिए होते हैं। हमें घर जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों मैं हर बार तेरी बातों में आ जाता हूँ। थोड़ा वक्त होगा, ओ मेरी नाजुक साजों के हीरोइन, मैं हूँ ना तेरी रक्षा करने के लिए, तू जाओगे। तूने कुछ सुना? सुबह सुबह पुलिस स्टेशन भी तो जाना है बाबा से मिलने। चल जल्दी। ए शोर, इधर बैठ, खाना खा हम लोग के साथ। आजा। शोर बेटा, तुम्हारे ये तन्मय दादा है ना, ये सुबह सुबह सोलापुर के लिए निकल रहे हैं, तो उनके सामान का देख लो क्या है। जाओ पहले। कसा ना सत्या, नौकरों को प्यार चाहे जितना दे दो, लेकिन बराबरी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। छोटे लोग होते हैं ये, साथ में बैठते हैं तो अपनी औकात, अपना अतीत सब भूल जाते हैं, दया को अपना हक समझने लगते हैं। ओ
पुरणपोळी तुमची आवडती पुरणपोळी आई आवडती बायको ने मेरा फेवरेट खाना बनाया है पहले प्रसाद फिर खाना पहले प्यार फिर ताना पहले हक फिर चताना पहले माँ फिर जमाना याद है तेरे को ये दे दो मेरे को पूरा पूरा खाएगा हाँ पूरा कब मत ये कल मैं खुद चलूंगा आपके साथ आपकी गवाही दिलवाने वहां पे सिक्योरिटी पूरी होगी फिक्र करने की जरूरत नहीं है मैं साथ में रहूंगा ना शांत शांत ढूंढो उसे ये यहीं कहीं होगी ढूंढो उसे अंकुश अंकुश बोलो मैं देख रहा हूं अंकुश कौन है वो उसके उसके आदमी है अंकुश अंकुश वो मुझे ले जाएंगे अंकुश अंकुश वो कुछ नहीं होगा ठीक है हम कुछ आग रोशनी देती है वो घर भी जला देती है सत्या अपना इसलिए ज्यादा खतरनाक है संभाल कर रहना उसे ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है बाबा कि पुलिस की वर्दी बहुत तंग होती है ना इसकी जेब में रिश्वत के लिए जगह होती है ना दिल में डर के लिए तुम तो संभाल लोगे अंकुश लेकिन दामिनी का क्या का नाम मत लीजिए आप सत्या से भी बड़ी धोखेबाज निकली वो औरत अंकुश अंकुश बहनी अंदर ही रहना तुम सेफ हाउस पर फोर्स भेजो गुंडे आ गए यहां पर जल्दी बहनी दामिनी मां बनने वाली थी वो खुद के बारे में नहीं उसके पेट में पल रहे उस मासूम बच्चे के बारे में सोच रही थी और ऐसे हालात में उसका डरना स्वाभाविक था अंकुश हम उसे दोष नहीं दे सकते नहीं बाबा वादा किया था मैंने उससे वादा किया था उससे कि उसे या उसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा मैं आज तक नहीं आने देता मैं जान पर खेल जाता बाबा लेकिन भरोसा नहीं किया उसने भाग गई वहां से प्राइम विटनेस थी सत्या की चश्मदीद गवाह थी वो 8 साल तक इसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बिना पर मैंने अंदर रखा क्या छूट गया ना ये घूम रहा है बाहर उस दिन अगर गवाही दे देती ना दामिनी तो ये आज भी जेल में सड़ रहा होता जिंदगी भर जेल में सड़ता मैं देखता उसको जेल के अंदर लेकिन ऐसा हुआ नहीं बाबा क्योंकि दामिनी भाग गई ना और उस दिन भागकर उसने खेल खत्म नहीं किया था लुकन छिपाई का एक नया खेल शुरू कर दिया क्योंकि वो नहीं जानती है आज नहीं तो कल ये दरिंदा उसे ढूंढ निकालेगा
अंकल प्लीज बाबा बात कर लेना, आई मुझे लेकर बहुत परेशान होगी, रो रो के बुरा हाल होगा, पर क्या करूं? देखा ना इस सोनू को कितना फट्टू है, अगर मैं चली गई तो उसका ध्यान कौन रखेगा? आप कल बात करके आई को पटा लेना, ओके? नीच समुर्ख हम देखो किट 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 एक दिन के लिए तो जा रही है शोलापुर। आई नाक काटती है, बेटा मजाक उड़ाता है, क्या फायदा इस घर में रहने का? आप जाओ जाओ जाओ, वो दामिनी कोई ढूंढो, वही है ना आपकी जायज पत्नी, उसी कोई ढूंढो जाकर। वो जेल भेजे तो भी प्यारी, मैं घर सवारू तो भी नाकारी, क्या फायदा ऐसे घर में रहने का? ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा है मैं वहीं चली जाऊं जहां से आई हूं। ठीक है हूं जा, वो मस्त लगती है तेरे ऊपर, वो कलर है देव ना हाथ में। देवा सॉरी यार, वो क्या तेरा नौटंकी चालू है? हाँ तू कुछ भी बोलेगी और भाव मान जाएगा, तू बोलेगी मैं घर छोड़ के जा रही हूँ और मैं मानेगा? येड़ी है पूरी, अभी आज के दिन आई को लेके अपना मूड खराब नहीं करने का रानी साहेब। वहीनी साहेब से रानी साहेब, फिर अभी राजा वापस आ गया है तो रानी की ताजपोशी बनती है ना, घूम इधर। ये मेरे लिए है? हाँ तो फिर क्या, मैं डाल के मार्केट में जाएगा क्या? चला इधर, ये देख रानी साहेब। आर्या आर्या आर्या, तू कहाँ छुप कर बैठी है? तुझे नहीं पता कितना खतरा है तेरे बाबा से तुझे। भाऊ साहब इसको ढूंढ रहे हैं, कहीं देखा इसको? जैसे ही पता लगे हम लोग को बता देना। बहुत टेंशन हो रही है मुझे मेरी जीव। आर्या आठ साल के वनवास के बाद की आजादी, उन आठ सालों के हर एक दिन का हिसाब लेने का है दामिनी से। जेल में गुजारा हुआ हर एक दिन, हर एक लम्हा, सब चीज का बदला लेने का है। पिछले टाइम बच गई, वो ये टाइम नहीं बचेगी, कैसा भी करके ढूंढने का है उसको ये टाइम। उसको और उसके बच्चे को? हाँ ना, मेरा दूसरा बेटा या बेटी? बेटा, क्या बोला मैं? बेटा, मैं कौन है? शेर है ना, तो शेर शेर को जन्म देता है, और अगर छोकरी हुई ना तो मैं उसका गला काट दूंगा।
टेंशन मत ले, तेरा वाला पहला और दूसरा। लेकिन अभी क्या है, वो उसका और मेरा ये फोन है ना, वो सेम है, तो घर में तो लाना पड़ेगा ना उसको। मेरा पहला है पर नाजायज है, वो दूसरा है पर जायज है, और इतिहास गवाह है कि राजगद्दी पर पहला हक जायज का ही होता है। टेंशन तो आएगा ना बाबूसाहेब, टेंशन तो आएगा, माजा मुलगा है तन में और उसका हक उसे दिलवा कर ही रहूंगी, उसके लिए चाहे मुझे वो हक छीनना ही क्यों ना पड़े। ये तो खेत वाले रास्ते आ गए हम। यही तो फायदा है अलग गाड़ी होने का, और वैसे भी बाबा और आई को टाइम लगेगा। कैसा है रे तन्मय? भाऊ, लोग मुझे तन्मय भाऊ कह के बुलाते हैं। बस आ रहा, रुक जा, थक गया मैं। इसलिए कहती हूँ सीरियल देखना बंद कर और एक्शन देख। एक्शन ए वेरिया, रोने की जगह धोना सीख, धोना। धोएंगे बाद में, पहले कुछ खाने का कुछ करना, बहुत भूख लगी है। जितनी जल्दी पुलिस स्टेशन पहुँचेंगे उतनी जल्दी खाना मिलेगा। बस एक बार बाबा से बात हो जाए, फिर दूसरे पुलिस वाले से कह के हमें मिसल पाव खिला देंगे। फिर तो बाहर आ रहे हैं मेरा पुतला। आर्या, आर्या कहाँ है तू? कहाँ ढूंढूं तुझे मैं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.